फाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं जीते हैं ये बड़ा क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया विच मींस कि नेट रन रेट थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा हालांकि अभी भी बहुत बड़ा फासला है बट इनके हाथ में क्या था इनके हाथ में चेस करना था कितनी गेंदों में ओवर्स में इन्होंने एग्जैक्टली चेस एग्जैक्ट अभी आपको पांच बॉलें बची थी वीवर जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा कि इंडिया के विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत ज़्यादा तारीफ की है जिस तरह पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराया पहले पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और बांग्लादेश की पूरी टीम को 204 रन पर ऑल आउट किया और इसके बाद पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बहुत शानदार खेल पेश किया जिसमें फख्र जमान जो हैं उनका आज कमबैक हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली 81 रन की और पाकिस्तान ने ये मैच 7 विकेटों से जीता और पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया है और पाकिस्तान ने अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कानात हैं उनको मज़ीद रोशन किया है अब जो न्यूज़ीलैंड है और साउथ अफ्रीका का कल मैच होने जा रहा है उसमें अगर न्यूज़ीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से हार जाती है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुँचने के इम्कानात जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे विक्रांत गुप्ता ने मज़ीद यह कहा कि पाकिस्तान के जो फख्र जमान हैं उनका इस मैच में आज कमबैक था उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जितवाया हाईलाइट के बाद हम मज़ीद वीडियो की तरफ चलते हैं कि विक्रांत गुप्ता और दूसरे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहा मज़ीद तफसील आप इस वीडियो में देखें 32.3 तो भाई कंसिडरेबली आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया ना पॉजिटिव में तो चले गए होंगे हाँ अब ये देखना कितना इनको इजाफा हुआ होगा पॉइंट टेबल में क्योंकि इनका था -0.3 श्रीलंका से ऊपर गए हैं हाँ ये इनका उस वक्त था -0.3 था -0.3 था तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचे लेकिन अब वो फिर वही है हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता वो हो जाता बट फकर को एक मैच के बाद ड्रॉप किया था फकर को इन्होंने बहुत ऐसा नहीं हैंडल किया पहले प्रैक्टिस मैच में कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए पर वो बाहर बैठ के आए दूसरे में आउट हो गए फिर वो एक आधा मैच खेले एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से